मजदूरी करे छा आई ओकरा बाध्यात्मक अवस्था में ओकरा पंच बनावे वाला अवस्था अगर ई नीति नै रहे त आई दलित के लोग आदरणीय साथी लोगन हम सब खास करके माओवादी केंद्र जय माओवादी पार्टी के बदौलत अब देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना भेल और खास करके अब जका शोषित पीड़ित उत्पीड़ित वर्ग समुदाय के आय सत्ता में सहभागी हो वाला एक अवसर मिलल अकर ज्वलंत उदाहरण हम यहाँ देख रहा थी कि भीतर दूटा स्थानीय तह में के चुनाव भ चुकल है वही में प्रत्येक वार्ड में महिला दूटा महिला सदस्य जे एक दलित महिला और एक और महिला प्रत्येक पालिका में मेयर में पुरुष तो महिला में उपमेयर इस समावेशी इस समानुपातिक समावेशी जे अपना धारणा लगलक कि माओवादी के कारण लगल और वही के कारण आए जे लोग हमरा यहाँ के समाज में भूल करे छा मजदूरी करे छा आई ओकरा बाध्यात्मक अवस्था में ओकरा पंच बनावे वाला अवस्था आयल गल हमरा यहाँ के वो नीति लवे वाला पार्टी हमरा यहाँ के पार्टी माओवादी केंद्र है अगर ये नीति नहीं रहे तो आज दलित के लोग दलित के महिला अपनो मजदूरी के काबिल रहे वो पंच वार्ड सदस्य नहीं बने रहे तै दुआरे हमरा यहाँ के ये बात बुझना जरूरी है खास करके अरे तुलसीपुर पहल का गावी सा अखंड का वार्ड के महान योद्धा जे कमरेड महेंद्र साफी जी और कमरेड राम बहादुर यादव जी जे अपन अमूल्य जीवन के मृत्यु वरण का तैया के क्रूर क्रूर शासक शाही नेपाली सेना के मुठभेड़ में उनका सब शहादत प्राप्त कलक और वही उनके सबके शहादत प्राप्त कला के बाद आई देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भेल अखन जे भी लोग सांसद मंत्री मेयर उपमेयर अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष सदस्य और जत्ते भी अपना सबके गांव में विकास निर्माण के जे चीज सब आबि रहल है वही कमरेड राम बहादुर यादव के कमरेड महेंद्र साफी के बहुत बड़ा भूमिका है भूमिका तो सब बहुत लोग है लेकिन वो सब अपन जान के लिए से कुर्बानी कलक तै दुआरे हम इस शहीद सब के नमन करना चाहे छी आदरणीय कमरेड सब आई के परिवेश में अपने सब के नीक जगह जानकारी है कि अखन के देश में नेपाली कांग्रेस और एमाले दोनों मिलकर जे सरकार खसक के सरकार गिर के कोई संभावना नहीं रहा रात आ रात दोनों पार्टी मिलकर माओवादी के नेतृत्व में प्रचंड के नेतृत्व में जो सरकार है कोई सरकार के खसा दिल गया और ये सब खास करके अखन का प्रधानमंत्री के पी ओली और अखन का परराष्ट्र मंत्री आर जू राणा ये दोनों आदमी जेल में जाए उसे पूछ गया कि कमरेड प्रचंड नेतृत्व के सरकार हमरा सब के नहीं छोड़त हमरा सब के जेल में सब झुका तकर कारण ये सब रात आ रात मिलकर माओवादी नेतृत्व के सरकार के गिरेलक अई दुआरे कि अखन का प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली झापा के गिरिबंधु टी स्टेट नाम के जगह सयो बीघा जगह मूल्यवान जगह एक खोला खाकर के जगह दे रहे सटा पटा कर अई देश में और वो के भ्रष्टाचार के लिए रहा और उन नीतिगत भ्रष्टाचार के रहा प्रधानमंत्री के हैसियत से मंत्री परिषद से पास के रहा वो निश्चित रूप से आई ने कायल जेल जेबेटा कर तही हिसाब से अई देश के परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा अई देश के नेपाली कांग्रेस के सभापति वक्कर घरवाली आरजू राणा और भूटानी शरणार्थी जे अपने देश के नागरिक के भूटानी नागरिक बनाकर अहा के विदेश पठा वाला काम में संलग्न रहा ओकरा प्रमाण भेट चुकल है जब सरकार प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ेलक तो उस सब अपना सरकार माओवादी नेतृत्व के सरकार के खसेलक और अखन रात आ रात इस सब सरकार बनाकर ककरा सब पर लागल दाग अकरा सब फसल जत्ते भी फैल है सब इस सब मिलान कर रहा है और अब वाला दिन में इस सब जनता के अधिकार दलित के अधिकार महिला के अधिकार गरीब के अधिकार मधेसी के अधिकार जो हमारा उपभोग कर रहा जी उस सारा चीज
षड्यंत्र में लागल है। आदरणीय कमरेड सब उसब अखन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के हटावे के कोशिश कर रहा है, उसब समावेशी नीति नियम के हटावे के कोशिश कर रहा है, उसब एक देश में भ्रष्टाचार वार्ड से लेकर सिंह दरबार तक भ्रष्टाचारी सबके संरक्षण के हिसाब किताब में लग रहा है। तय द्वारे माओवादी केंद्र के नेतृत्व में विगत 10 हफ्ते काठमांडू में वो सिर्फ खबरदारी सभा भागा। अखन हमारा सभा पार्टी माओवादी केंद्र खबरदारी हम सब मात्र के लिए ओहन दिन आवत पर है आब सके है हम सब और जो उपस्थित तमाम पार्टी के कामरेड लोग सब सब हम सब विनम्र आग्रह करब कि एक देश में वार्ड से लेकर सिंह दरबार तक हुआ वाला भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हमारा आगे छठ के बाद सड़क संघर्ष में जाने अवस्था आ रहा है। हम सब जय जगत जी वही जगह से ओई भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ में ठाम के ठाम जवाब देने वाला अवस्था सृजना हो वाला अवस्था है। हम सब तैयारी अवस्था में रह के लागी हमरा सब के पार्टी निर्देशन कर चुका है। आदरणीय कामरेड लोग सब ई भ्रष्टाचार सिंह दरबार में भ्रष्टाचार के पियोली मात्र नहीं भ्रष्टाचार प्रदेश में चुरोट फैक्ट्री में भ्रष्टाचार वाला भरल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जे पार्टी गरीब के निमुखा के रोजी रोजी रोटी के बात करके चुनाव में आयल रहा उ लोग सब भ्रष्टाचार के विरुद्ध करके चुनाव में आयल रहा उ लोग सब आई भ्रष्टाचार के संस्थागत कर रहा है। प्रदेश मात हाथ रह जत्ते भी डिवीजन है जत्ते भी ऑफिस है महीनावारी तो दे गए है कि तू सब पैसा उठाकर हमरा सब के चोट फैक्ट्री में तोरा देवे पड़तो एहि दुआरे कि भ्रष्टाचार के सब संस्थागत कर रहे हैं। हमरा सब के पार्टी माओवादी केंद्र एक एक भ्रष्टाचारी के अध्ययन करके छठ के बाद वकरा सब के काले मोस दल के और वह से कड़ा कार्रवाई के प्रक्रिया हम सब लगाई पड़े वही प्रक्रिया में तमाम कामरेड लोग सबसे सहभागिता के लागी पार्टी के आदरणीय केंद्र अध्यक्ष कमरेड प्रचंड जी हमरा सब के आंतरिक रूप से निर्देशन दे चुका है। अपने सब के हम कहब कि अखन का प्रदेश सरकार मात्र नहीं गांव पालिका के सरकार भी भ्रष्टाचार में डूब रहा है। अपने सबके जानकारी हुआ चाहिए कि लक्षित वर्ग के नाम पर तुलसी पुरवान में हुआ वाला बजट रास्ता पेरा खा वाला काम और पालिका के गांव पालिका के अध्यक्ष के समानता में भर रहा है। युवा दिन आ सके यही जाके गांव पालिका अध्यक्ष के हम सब पालिका से निकाल कर कालो में से तला वाला अवस्था आ सके है। आदरणीय कामरेड लोग सब हम सब तैयारी अवस्था में रह पड़ब हम सब तैयारी अवस्था में रह पड़ब कमरेड राम बहादुर यादव कमरेड महेंद्र साहब भी जो लक्ष्य रहे जो उनका सपना रहे कोई सपना के साकार पारे के लागी अखनो ए देश में ए गांव में समृद्धि का जरूरी है। ए गांव में अखनो गरीब के इज्जत चाहिए अखनो अल्पसंख्यक के इज्जत चाहिए अखनो तानाशाह के रूप में प्रतिनिधि सभा का ही बेला है। तै द्वारे हमर प्रमुख अतिथि छथिन हम अपने सबके बीच में एक संकल्प लेबे के लागी अपने सबके भी आग्रह करब कि अब वाला दिन में माओवादी पार्टी में प्रवेश के निहार न प्रवेशी कामरेड सबके हम आग्रह करब अपने सबके योग्यता और क्षमता के आधार में पार्टी में जिम्मेवारी दे देते और वही तहत माओवादी पार्टी विगत में जो विग्रम भटकल है ओकरा एक क्रांतिकारी पार्टी के रूप में रूपांतरण करबे। ई संकल्प के साथ हम फिर शुभ दीपावली छठ पर्व समाज जमा के शुभकामना दे न प्रवेशी साथी सबके भी स्वागत करें। हम अपन मंत्र ग्रहण करे छी लाल सलाम।